वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रामर सक्सेशन के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये मैंने कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स पेपर से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करूँगा और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत ही ईजिली यू कैन टू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आई सेड दैट आई डैश डैश गो। मैंने कहा दैट आई डैश डैश गो, सो वी हैव चॉइस शुड एंड वुड। तो हमने यहाँ वुड का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, क्यों? क्योंकि वुड का यूज फ्यूचर में पास्ट के लिए यूज किया जाता है। सो हियर वी विल यूज आई सेड दैट आई शुड गो, क्योंकि वुड का यूज हम पास्ट में, फ्यूचर की जब बात करेंगे पास्ट में यूज करेंगे तब हम करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द बॉयज डैश डैश वाज एंड वर प्लेइंग देयर, मतलब लड़के डैश डैश खेल रहे थे। सो विच वन वी विल चूज, वाज या कि वर? तो ऑब्वियसली हमारे पास देखिए सब्जेक्ट क्या है, बॉयज, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब पास्ट में वर का यूज करते हैं, तो हमारा वर सही है और वाज गलत है। सो वी विल सी राइट हियर वर, द बॉयज वर प्लेइंग देयर, बच्चे वहाँ खेल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई डैश डैश द रूम माय फादर वाज टाइपिंग द लेटर। अब हमें लिखना है इंटर वर्ड को सिंपल पास्ट टेंस में करना है, तो सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो इंटर की सेकंड फॉर्म क्या रखेंगे, एंटर्ड। व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जैसे ही मैं रूम में गया, माय फादर वाज टाइपिंग द लेटर, मैंने देखा मेरे पापा लेटर टाइप कर रहे थे। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ताज, दिस इज द ताज। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, इट इज इन आगरा, दो सेंटेंस है, कंबाइन यूजिंग हु और विच। हमें इन दो सेंटेंसों को कंबाइन करना है और चॉइस क्या है, हु और विच, इन दोनों में से कौन सा यूज होगा। सो पहली बात मैं बता दूं, हु का यूज लिविंग के लिए यूज किया जाता है जो कि सजीव वस्तु के लिए, सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, और विच नॉन लिविंग। सो विच वन वी विल यूज, दिस इज द ताज, तो ताज तो नॉन लिविंग है, तो हमने क्या यूज करना है, विच, तो दिस इज द ताज, फिर इट की जगह हम यूज कर देंगे विच। दिस इज द ताज विच इज इन आगरा, यह ताज है जो कि, वह ताज है जो कि आगरा में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, टॉम हैड डैश डैश इजी टाइम, यूज सुटेबल डिटरमाइनर्स। अब हमें यहाँ एक अच्छा सा कोई सुटेबल डिटरमाइनर्स यूज करना है, तो अगर दोस्तों आपसे डिटरमाइनर्स पूछ रहा है तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आर्टिकल्स को भी डिटरमाइनर्स बोलते हैं। सो वाट वी विल यूज़ हियर, टॉम हैड, तो ए इन दी में हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास ईजी, इसे इसका प्रोनंसिएशन क्या, ई, इसलिए जिन्होंने अभी आर्टिकल्स का वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लीजिए, आर्टिकल्स में हमने पढ़ाया कि ए और एन और द का यूज़ कहाँ करना है, तो यहाँ हमारा प्रोनंसिएशन आ रहा ई का, हिंदी का वॉवेल आ रहा, तो हमने यहाँ यूज़ करेंगे एन, टॉम हैड एन ईजी टाइम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर, सैड दे, चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए नरेशन आया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखा हुआ है, हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच का फंडा क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब लिखा, दे सैड, देन सर, देखिए यहाँ सर जो है वो कॉमा से अलग लिखा हुआ, मतलब अलग, सो दे सैड सर। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का फंडा ये है कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा उसे कट करके उसके जगह हम क्या यूज़ करते हैं, कंजंक्शन का यूज़, सो दे सैड दैट, और फिर फर्स्ट पर्सन है वी, जो कि फर्स्ट पर्सन है, वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है दे, सो दे सैड सर दैट, वी बदल कन्वर्ट हो जाएगा दे में, सो दे सैड दैट दे वर, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का रूल ही है, दे वर नॉट कंप्लेनिंग, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज
डैश डैश टू गो टू स्टे और टू स्टे या कि रुके। सो इफ का यूज़ तो हो गया नहीं क्योंकि यदि का सेंस आ रहा और यदि का सेंस बिल्कुल भी गलत है इस सेंटेंस में। सो द क्वेश्चन इज वेदर टू गो और टू स्टे। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही विल सेल हिज कार चेंज इन टू पैसिव वॉइस। आप पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस का फंडा क्या है, सबसे पहले कन्वर्जन। सो हिज कार आ गया आगे, हिज कार और मॉडल वर्ब है विल, विल के साथ बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय हिम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ नॉट डैश डैश ऑनरेबल मैन। ओके, अब हमें ए और एन और दी में किसे यूज करना है। सो ऑनरेबल मैन आर का प्रोनंसिएशन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसमें आर्टिकल एन का यूज होगा। सो ही इज़ नॉट एन ऑनरेबल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द हाउस, देन सेकेंड है ए स्टोन हिट मी, जैसे मैं घर से निकल रहा था, बाहर निकल रहा था, एक पत्थर मुझे लगा। कंबाइन विथ, आपको दिखा दें, एज, एज का एज कंबाइन करना है तो कैसे बनाएंगे। एज आई वॉज कमिंग आउट, एज आई वॉज कमिंग, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस आई स्टोन हिट मी। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इंग्लिश से संबंधित और एग्जाम से संबंधित स्टडी के लिए हमसे जुड़े रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।